अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दारचीनी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्विक सा ब्रेकफास्ट जिसका नाम है अफ़गानी ऑमलेट, और आप इसे कम से कम टाइम में इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल को गर्म किया है, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़े साइज़ का आलू। आलूओं को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये बिल्कुल कच्चे आलू हैं। तो इसे हम ऑयल में 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए और ये थोड़े से फ्राई भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है, और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। आलू और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके अलावा इस ऑमलेट में और कोई मसाले नहीं जाते हैं, फिर भी इसे आप स्पाइसी करना चाहें तो यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स या फिर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारे आलू और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर हमारे आलू और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप आलू को चेक करके देख लें, अगर ये सॉफ्ट ना हुए हों तो आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लें। और अब हम इसे चारों तरफ अच्छे से फैलाकर इस पर अंडे डाल देंगे। यहाँ पर मैं 5 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अंडे डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और अब हम इसे कवर करके बिल्कुल ही लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। आप चाहें तो इसके नीचे कोई तवा भी रख सकते हैं ताकि जो इसके नीचे की परत है वो लगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया है। अगर आपको जर्दी थोड़ी सी कम पकी हुई पसंद हो तो आप कुकिंग टाइम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें थोड़ी हार्ड चाहिए होती है तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए पकाया है। और अब आप इसे सर्व करने के लिए इस तरह से काटें कि नीचे जो आलू और टमाटर की लेयर है वो भी साथ में निकले। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अफ़गानी ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत मज़े का होता है। आप इसे रोटी, पाव या फिर पराठे के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं एक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।